तो गाइस अगर आपको खुद का एक पोर्टफोलियो वेबसाइट बनाना है एंड आपको वर्डप्रेस थीम्स नहीं मिल रहे, कोई अच्छा सा थीम नहीं मिल रहा, डिजाइन अच्छा नहीं है किसी में, तो उस प्रॉब्लम को जो है आज इस वीडियो में फिक्स करूंगा। मैं आपको टॉप 5 बेस्ट वर्डप्रेस थीम बताऊंगा जो कि पोर्टफोलियो वेबसाइट के लिए ही होते हैं। तो सी क्या होता है, अगर आप एक पोर्टफोलियो वेबसाइट बना रहे हो तो उसमें मेन चीज ये है कि वो जो साइट जो है आपको एंड आपके काम को एक्सप्रेस करना चाहिए। वहां पे कोई फैंसी डिजाइन नहीं होना चाहिए, कोई ब्लॉग पोस्ट होना नहीं चाहिए, एक मिनिमल से डिजाइन होना चाहिए जो कि आपको एक्सप्रेस करे, आपके काम को एक्सप्रेस करे एंड जो है यूजर्स वहां पे आपके जो आपके कस्टमर वहां पे आपके आपको कॉन्टेक्ट कर पाए। इसका जो है मेन ये स्ट्रक्चर होता है पोर्टफोलियो वेबसाइट का। तो यहाँ पे जो मैं आपको थीम बताऊंगा ये सभी स्टेप को थीम जो है फॉलो करते हैं एंड आपको एक अच्छा सा डिजाइन प्रोवाइड करते हैं आपके पोर्टफोलियो वेबसाइट के लिए। सो हियर गाइस इट्स मी मचू हियर बैक विद इंटरेस्टिंग वीडियो। सो यार कैसे हो सब लोग, तो यार जैसे आपसे बताया मैं वेबसाइट डिजाइनिंग एसईओ एंड ब्लॉगिंग टिप्स एंड ट्रिक्स के ऊपर वीडियो बनाऊँ। आपने मेरे वीडियोस नहीं देखे चैनल में जरूर चेकआउट कर देना, बहुत इंटरेस्टिंग वीडियोस आपको मिल जाएंगे। एंड इन दिस वीडियो गाइस मैं आपको टॉप 5 बेस्ट पोर्टफोलियो वेबसाइट थीम्स के बारे में बताऊंगा जो कि वर्डप्रेस थीम होंगे। एंड अगर आप जो है खुद का पोर्टफोलियो वेबसाइट जो है बनाना चाहते हैं आप इन थीम्स को जरूर कंसिडर करना। तो चलो इस वीडियो शुरू करते हैं, कौन कौन से थीम मैं बताता हूँ आपको। इससे पहले चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेक श्योर सब्सक्राइब कर दो एंड लेट्स बिगिन गाइस। सो वेलकम बैक टू माय पीसी गाइस। तो यार देख सकते हो पीसी में आ गए एंड यहाँ पे देख सकते हो क्रोम टैब पे बहुत सारे थीम्स खुले हैं अलग अलग डिजाइन के हिसाब से, अलग अलग पर्सनालिटी के हिसाब से जो है यहाँ पे मैंने थीम्स चूज कर रखे हैं जो कि आपको एक्सप्रेस करेंगे, आपके जो है काम को एक्सप्रेस करेंगे, अच्छा सा डिजाइन आपको प्रोवाइड करेंगे पोर्टफोलियो की वेबसाइट के हिसाब से। ओके तो चलो एक एक करके स्टार्ट करते हैं। जो पहला हमारा थीम है वो है होवी थीम। ओके HOVI होवी पर्सनल पोर्टफोलियो वर्डप्रेस थीम देख सकते हो इस तरीके की। यहाँ पे इस पर डिजाइन मिलता है आपको अगर आप जो है एक वेब डेवलपर हो या फिर जो है आप किसी जो है कंटेंट मैनेजमेंट काम करते हो या फिर एडिटिंग भी करते हो एंड आपको एक पोर्टफोलियो वेबसाइट चाहिए। इस कैटेगरी में बता रहा हूँ, टेक कैटेगरी में आपका कुछ भी है वहाँ पे आपको पोर्टफोलियो वेबसाइट चाहिए तो ये जो थीम है आपको बहुत अच्छा होने वाला है। यहाँ पे देख सकते हो इस तरीके का डिजाइन रहता है। बेसिकली यहाँ पे दो टाइप के डेमोस मिल जाते हैं, यहाँ पे इस थीम में जो है दो डेमोस रहते हैं अलग अलग डिजाइन के साथ, आप उसको यूज कर सकते हो। ओके यहाँ पे मैं अगर इसको जो है व्यू मोर पे क्लिक करूँ ये पहले वाले को डेमो को, तो देखो इस तरीके का बेसिक सा डिजाइन आपको मिलता है। बिल्कुल यहाँ पे कोई भी एक्स्ट्रा जो है फैंसी चीज़ें नहीं रहते, मिनिमल डिज़ाइन रहता है यहाँ पे। जैसे मैंने बताया यहाँ पे ऊपर मेन्यू मिल जाता है होम अबाउट सर्विस ये सभी चीज़ें, यहाँ पे अबाउट पे क्लिक करोगे इसी सेम पेज में। पोर्टफोलियो में सबसे मेन चीज़ होता है आपके एक ही पेज में सभी कुछ होना चाहिए, मतलब एक ही सेक्शन में। जैसे मैं सिंपल एक ही पेज है ये देखो, उसके अलग अलग सेक्शन में अलग अलग चीज़ें। ओके यहाँ पे देखो पहला जो है हम यहाँ पे जो पहला रहता है अबाउट सेक्शन, यहाँ पे आप कौन हो, आपका काम क्या है, आपका नेम क्या है, ये सब चीज़ें यहाँ पे फर्स्ट जो है सेक्शन में रहता है। यहाँ पे देख सकते हो इस तरीके रहता है, ये इमेज को आप रिप्लेस कर सकते हो। इसके पीछे जो है एक एनिमेशन चल रहा है, देखो ये एक बबल का एनिमेशन चल रहा है जो कि आपको थोड़ा कैची दिखेगा, आपका जो है इमेज उससे कैची दिखेगा, बैकग्राउंड हिसाब से आप ले सकते हो इसको। ओके तो इस तरीके रहता है पहला सेक्शन। देन दूसरा सेक्शन यहाँ पे जो है देख सकते हो डिजाइन विद पैशन, यहाँ पे आप जो है अपना खुद का काम वगैरह को एक्सप्रेस कर सकते हो, आप क्या करते हो, क्या क्या चीज़ें आप जो है कर सकते हो। जैसे यहाँ पे देख सकते हो ब्रांडिंग डिजाइन, यहाँ पे वेब डेवलपमेंट, जैसे डिजिटल मार्केटिंग, अगर मैं वेबसाइट डिजाइनिंग कर रहा हूँ तो मैं वहाँ पे जो है जैसे PHP के डाल सकता हूँ या फिर जो है फिर से HTML के डाल सकता हूँ या फिर जो है किसी जावा CSS सभी कुछ डाल सकते हैं यहाँ पे अलग अलग सेक्शन में, या फिर ऐप डिजाइन करता हूँ उसका डाल सकता हूँ। तो यहाँ पे मेन तीनों चीज़ें यहाँ पे आप डाल सकते हो। इसके नीचे आ जाते आप किस में एक्सपर्ट हो, आप किस में स्पेशलाइज हो, तो इसमें जैसे इन्होंने बार्स के हिसाब से रखा है, तो ये जैसे हम जो है रेज्यूमे वगैरह बनाते हैं उसमें बार्स वगैरह ऐड करते हैं उस तरीके का सेक्शन है। यहाँ पे इमेज है एंड किस में जो है आप स्पेशलिस्ट हो उस हिसाब से दिया गया है। तो ये सब जो है स्किल सेक्शन में आ जाता है। देन पोर्टफोलियो में यहाँ पे आप देख सकते हो कुल स्टॉप जो जो आपने बनाए उस सभी चीज़ों को। देन टीम में यहाँ पे आपका टीम अगर कोई कोई है तो उसको जो है डिफाइन कर सकते हो। यहाँ पे आपको एजुकेशन क्वालिफिकेशन यहाँ पे वो ऐड कर सकते हो। मेन्यू में भी इसको अगर चाहो आप इस सेक्शन को एजुकेशन को यहाँ पे ऐड करना चाहते हो तो एजुकेशन डाल के इसको पिन कर सकते हो। डायरेक्ट वहां पे कोई भी क्लिक करेगा तो इस एजुकेशन सेक्शन में आ जाएगा। ये थीम में बहुत ये खासियत है। ओके देन सबसे नीचे मिल जाता है यहां पे आपको कांटेक्ट करने का ऑप्शन, ये सबसे मेन रहता है पोर्टफोलियो में। आपको कोई कांटेक्ट नहीं कर पाएगा तो कैसे आप जो काम पाओगे। ओके आपको कैसे वो जो वर्क मिलेगा, तो यहां पे कांटेक्ट उसका सेक्शन रहता है। यहां पे आपको नेम वगैरह डाल के वो ईमेल करवाएगा आपके इनबॉक्स में वहां पे आ जाएगा। ओके देन यहां पे आप कितने सारे प्रोजेक्ट किए हो, कौन-कौन से क्लाइंट है आपके, ये सभी यहां पे डाल सकते हो। ये एलिमेंटर से एडिट हो जाता है, ड्रैग एंड ड्रॉप बिल्डर है, एलिमेंटर से इजीली एडिट कर सकते हो आप सेक्शन को। इसके बाद जो है ब्लॉग जो है पोस्ट वगैरह भी ऐड कर सकते हो अगर आप चाहते हो कि अलग अलग तरीके की पोस्ट यहाँ पे आपको जो है एक्सप्रेस करो, तो यहाँ पे ब्लॉग वाला सेक्शन भी ऐड कर सकते हो। ओके इसके नीचे एक मिनिमल सा फुटर वाला डिजाइन रहता है। ये फुटर को मैं शुरू से नहीं पोर्टफोलियो वेबसाइट के लिए मैं फुटर रिकमेंड नहीं करता, फुटर आपको हटा देना चाहिए। यहाँ पे जस्ट इतना ही रहना चाहिए, कोई टेंशन नहीं, फुटर नहीं होने से भी चलेगा। ये कॉन्टैक्ट वाला सेक्शन होना चाहिए एंड इसके बाद जो है अबाउट अस आपका वर्क, देन जो है आपका स्किल्स वगैरह ये सेक्शन होना चाहिए। ओके तो ये हॉबी थीम जिसको आप एलिमेंटर से इजीली एडिट कर सकते हो
या फिर WB Bakery से अभी आप जो है एडिट कर सकते हो इजीली। यहाँ पे एलिमेंटर वाला ले लो, एलिमेंटर वाला डालो, एलिमेंटर से इजीली सभी कुछ एडिट हो जाएगा। एंड जैसे इसके फीचर्स वगैरह डब्ल्यू कस्टमाइजर सभी कुछ HTML वगैरह ये सभी चीज़ें आप चेक कर सकते हो इसके पेज में। इस थीम के बारे में डिटेल में आप चेक कर सकते हो, लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में। ये थीम जो है आपको इवेंट मार्केट में मिल जाएगा, $59 का रहता है। तो अगर आप जो है अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हो तो $59 नॉट अ बिग डील, आप इन्वेस्ट करो इसमें। ये थीम बहुत अच्छा एक थीम है, इसके जो फीचर्स के हिसाब से क्वाइट ए गुड थीम, बहुत अच्छा थीम है। ओके, देन सेकंड जो हमारा थीम है वो बेसिकली आर्टिस्ट लोगों के लिए, अगर आप स्केच वगैरह करते हो या फिर जो है अगर आप जो है कुछ वुडन वर्क करते हो या फिर कुछ शर्ट पैंट वगैरह भी डिजाइन करते हो, आर्टिस्ट बेसिकली आर्टिस्ट यहाँ पे क्यों रहता है इस वाले लोग, अगर आप आर्टिस्ट कैटेगरी में जाते हो तो ये वाला थीम यूज कर सकते हो। देख सकते हो यहाँ पे, तो देख सकते हो ये जो थीम है ऑक्टा WP थीम यहाँ पे इसको बोलते हैं, ये बिल्कुल मिनिमल डिजाइन के साथ आता है। आर्टिस्ट लोगों के लिए नो एक डिफरेंट अप्रोच होना चाहिए, आपका साइट को देख के पता चलना चाहिए कि आर्टिस्ट है। तो देख सकते हो किस तरीके से एक बैकग्राउंड इसका भी वाइट नहीं है, एक थोड़ा सा मैट कलर का यहाँ पे बैकग्राउंड है। देखिए तो जैसे सभी में होता है, पहला जो है हमारा अबाउट सेक्शन रहता है, यहाँ पे आपके स्टूडियो के हिसाब से या फिर आपका नेम यहाँ पे होना चाहिए। तो इस तरीके से यहाँ पे पहला जो सेक्शन में यहाँ पे रहता है वो आपका जो अबाउट सेक्शन रहता है। इसके नीचे आपके प्रोडक्ट्स को फीचर करना होता है, जैसे यहाँ पे देख सकते हो एक क्लॉथ ब्रांड का जो है यहाँ पे दिया गया है, तो क्लॉथ का यहाँ पे है। तो अगर आप जो है आर्टिस्ट आप स्केच वगैरह तो स्केच वगैरह यहाँ पे डाल सकते हो। देन जो है अगर आप जो है मान लो आपका किसी वुडन वर्क का डिजाइन है तो यहाँ पे वुडन वर्क डाल सकते हो इस तरीके से। देन ऐसे ही अलग अलग कैटेगरीज में अलग अलग जो है स्टाइल में यहाँ पे अलग अलग फोटोग्राफ्स दिए गए, आप उनको अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हो। ओके, देन इसके नीचे मिनिमल फुटर रहता है, यहाँ पे सबसे मेन चीज रहता है। मान लो यहाँ पे आपने जैसे वुडन वर्क का एक सेक्शन बना दिया, ओके, यहाँ पे इसको जो भी बंदा क्लिक करेगा, जैसे यहाँ पे क्लॉथ का ब्रांड था, यहाँ पे इसको क्लिक करेगा तो यहाँ पे आपको उसके डिटेल्स मिल जाएंगे इस तरीके से। ओके, यहाँ पे ये कुछ पढ़ सकता है, उसके डिटेल्स वगैरह आप लिख सकते हो, फाउंडेड यहाँ पे जो है प्राइस वगैरह क्या रहता है, किस तरीके से बनता है, क्या क्या मटेरियल रहते हैं उसका आप डिफाइन कर सकते हो। देन यहाँ पे बैक बटन है, सिंपली बिल्कुल मिनिमल सा डिजाइन होने वाला है। यहाँ पे ऑफिस वाला इसको भी क्लिक करो, मान लो इसमें आप जो है कुछ भी सेक्शन रखते हो, कुछ भी इमेजेस डाल देते हो, उसके हिसाब से लिखते हो, तो यहाँ पे आप उसको डिफाइन कर सकते हो इस तरीके का रहता है। इस जगह पे आप मल्टीपल इमेजेस भी डाल सकते हो, देखो इस बटन को कभी भी क्लिक करेगा तो यहाँ पे इजीली चेंज कर सकता है। ओके, एंड नीचे जो है आपका शॉप का लोकेशन या फिर आपका जो है किसी भी वर्क जो है एड्रेस का लोकेशन यहाँ पे डाल सकते हो। देन कैटेगरीज वगैरह यहाँ पे डाल सकते हो, मिनिमल सा डिजाइन रहता है, बिल्कुल मिनिमल सा डिजाइन। तो इसका नाम है ऑप्टल, मिनिमल प्रॉफिट लो वेबसाइट, देख सकते हो। तो फोटोग्राफी देन जो है आर्टिस्ट ऐसे लोगों के लिए बनाया गया है। इसका जो है प्राइस भी $60 के आसपास आता है, ये भी इवेंटो मार्केट में मिल जाएगा आपको। लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उसके जरिए आप जो इसका जो है चेक कर सकते हो, सर्च वगैरह कर सकते हो, मिल जाएगा ये थीम भी आपको। ओके, देन तीसरा जो हमारा थीम है वो बेसिकली उन लोगों के लिए जो कि फोटोग्राफी में ब्यूटी सेक्शन में उस तरीके में काम करते हैं, जहाँ पे जो है आपको एक ह्यूमन को एक्सप्रेस करना होता है, आपके जो काम को एक्सप्रेस करना होता है, ना कि खुद को। लाइक मैं जैसे मेरे को मैं जो है मेरा नाम हिमांशु है, यहाँ पे मैं इतना पढ़ा हूँ उतना किया हूँ, उसको एक्सप्रेस करना नहीं होता, आपके काम को एक्सप्रेस करना होता है। तो यहाँ पे वर्डप्रेस के लिए बेस्ट थीम है वर्क थीम। यहाँ पे आप जो है अगर आपका एक फोटोग्राफी वेबसाइट है, आप फोटोग्राफी करते हो या फिर आपका कोई ब्यूटी सैलून वगैरह है, तो आप इस थीम को यूज कर सकते हो। बहुत खतरनाक, बहुत जो है प्रोफेशनल डिजाइन के साथ आता है, देख सकते हो। ऐसे यहाँ पे इस नेम के ऊपर जो है एक थोड़ा सा एनिमेशन भी आप इसको रिमूव भी कर सकते हो, बट थोड़ा प्रोफेशनल दिखता है। इसके नीचे चले जाओगे तो आपका जो है डिटेल्स दिखते हैं, आप तक काम गाओगे। यहाँ पे जैसे इसने जो है जैसे मान लो ये जो एक स्टूडियो है, इसने जो है बाथटब का डाल रखा है, यहाँ पे आप अपना काम डाल सकते हो, फोटोज वगैरह डाल सकते हो, या फिर कोई काम हो गया मान लो आपका सैलून का है, ब्यूटी सैलून का है, तो यहाँ पे आप जो है उस तरीके का प्रोडक्ट लग सकते हो। जैसे यहाँ पे जो हाइड्राफेशियल है, यहाँ पे हाइड्राफेशियल का डिटेल्स डाल सकते हो। देन यहाँ पे इस साइड में जैसे आप दूसरे प्रोडक्ट का जो है डाल सकते हो फोटो, उसका जो है डिस्क्रिप्शन यहाँ पे डाल सकते हो। देन इस तरीके से आप एक अलग जो है लाइक ऐसे जैसे फोटो यहाँ पे डाल रखा है, तो इस तरीके से अलग अलग तरीके से आप जो यहाँ पे डिफाइन कर सकते हो। ये जो सेक्शन है का एक दो तीन वाला, ये बहुत अच्छा दिखता है, बहुत यूनिक दिखता है, आपको किसी और थीम में ये सेक्शन नहीं मिलेगा। ये डिजाइन करने में काफी हार्ड रहेगा आपको, अगर आप जो एलिमेंटर वगैरह में डिजाइन करोगे तो आपके ऊपर फट जाएगा। ओके, बहुत अच्छा रहता है ये सेक्शन। एंड इवन यहाँ पे अलग अलग इमेजेस भी हैं, देख सकते हैं यहाँ पे अलग अलग इमेजेस भी हैं, यहाँ पे ऐड करोगे तो यहाँ पे अच्छे तरीके से इसको देख भी पाओगे। ओके, इसके नीचे आपको मिल जाएगा कि अबाउट सेक्शन, यहाँ पे आप जो है कितने काम किए हो, कितने प्रोजेक्ट्स कंप्लीट किए हो, क्या आप कहाँ पे रहते हो या फिर कहाँ का आपका ऑफिस है, वो सभी चीजें यहाँ पे डिफाइन कर सकते हो। देख सकते हो कितना बड़ा यहाँ पे आप जाता है, डायरेक्टली एलिमेंटर से इसको इजीली एडिट कर पाओगे। इसके बाद जो है आपका ऑफिस वगैरह का स्क्रीनशॉट वगैरह आप जो भी जानना चाहते हो, अलग अलग तरीके के डिजाइन के हिसाब से यहाँ पे दिया गया है। जैसे यहाँ पे आप किस चीज में आप क्या ऑफर करते हो लोगों को, ब्रांडिंग, प्रोडक्ट डिजाइन, लोगो डिजाइन
डिज़ाइन जो भी आप ऑफर करते हो यहाँ पे आप डाल सकते हो। देन आवर टीम, कितने लोग आपके टीम में हैं, या फिर आप जो है जैसे फोटोग्राफी में हो आप, तो आपके टीम में कितने फोटोग्राफर हैं, क्या क्या कैमरास आप जो है यूज़ करते हो, वो सभी चीज़ें यहाँ पे डाल सकते हो। देन एंड ये एक ड्रैग एंड ड्रॉप बिल्डर के साथ आता है। यहाँ पे बहुत सारे एलिमेंटर्स के देख सकते हो, एलिमेंट्स मिल जाते हैं, प्राइसिंग टेबल हो गया, बार्स हो गया, या फिर किसी भी चीज़ को आप जो है ऐसे ड्रैग एंड ड्रॉप करके डाल सकते हो, डायरेक्टली आप जो है वो वेबसाइट में आ जाएगा। जैसे देख सकते हो अगर आपको प्राइसिंग टेबल चाहिए, इस तरीके की प्राइसिंग टेबल डायरेक्ट डाल सकते हो, फिर एलिमेंट्स से चले आना। अगर आपको जैसे मान लो यहाँ पे क्या चाहिए आपको, आइकॉन चाहिए, किसी भी चीज़ में आइकॉन सेट करना है, तो यहाँ पे आइकॉन्स वाले सेक्शन में आइकॉन्स मिल जाएंगे। बहुत कस्टमाइज ब्लैक एंड व्हाइट डिज़ाइन के साथ यहाँ पे आइकॉन्स आ जाते हैं, बहुत सारे आइकॉन्स हैं, आप इनको डाल सकते हो अपने वेबसाइट में अच्छे तरीके से, आपके हिसाब से उस थीम को डिज़ाइन कर सकते हो, उस साइट को डिज़ाइन कर सकते हो। बहुत प्रोफेशनल लुक्स के साथ आता है, फीचर्स के साथ आता है ये थीम, वर्क थीम ये भी आपको जो है इवेंटो एलिमेंट्स में मिल जाएगा। यहाँ पे आप चेक कर सकते हो इस थीम को, मैं नीचे जो है लिंक दे दूंगा, आप चेक करना। ओके, देन जो फोर्थ हमारा थीम आता है वो आर्किटेक्चर के लिए बेस्ट है। यहाँ पे इतने खतरनाक एनिमेशन, इतने खतरनाक स्टाइलिंग से आपको वेबसाइट होगा कि आप विश्वास नहीं कर। यहाँ पे देख सकते हो टेम्पलाइट द्वारा डिजाइन किया हुआ किस्टा थीम यहाँ पे बहुत खतरनाक एनिमेशन के साथ आता है। आप मेरे कर्सर को मारको, यहाँ पे जो हैंड आ रहा है इसको देखो, एंड पीछे जो इमेज आ रहा है उसका जो हवर इफेक्ट देखो भाई, बहुत खतरनाक है। जब थीम में एक्सप्लोर कर रहा था ये थीम मुझे मिला, वन ऑफ द बेस्ट जो है एनिमेशंस के साथ आता है यहाँ पे। अगर आपके प्रोफेशनल एक यूनिक सा डिज़ाइन आपको वेबसाइट में चाहिए तो यहाँ पे आप इसको एंटर कर सकते हो। देखो इस थीम में कैसे खतरनाक एनिमेशन आता है, जहाँ पे मैं भी कर्सर ऐसे ले जाऊँ, यहाँ पे जो है ऐसे एक राउंड था आ जाता है फोकस करने जैसा, यहाँ पे जैसे इमेज में हवर आ रहा है किसी भी इमेज में, तो इस तरीके का सा रहता है। यहाँ पे नीचे नीचे यहाँ पे इसको ऐसे रीलोड करोगे तो इसका लोडिंग एनिमेशन देखो कितना खतरनाक जो है लोडिंग मशीन में आता है। इसमें आप कुछ भी टेक्स्ट डाल सकते हो, उस तरीके का ही एनिमेशन रहेगा। यहाँ पे मेन्यू सेक्शन मिलता है, मेन्यूज में आपको यहाँ पे अबाउट सेक्शन मिल जाता है, अबाउट अस मिल जाएगा इसमें, अबाउट अस के सेक्शन में इस तरीके का मिनिमल सा डिज़ाइन रहता है, कितने प्रोजेक्ट्स आप फिनिश किए हो, इसका हवर इफेक्ट देखो सभी चीज़ों में, इसमें बहुत खतरनाक हवर इफेक्ट आ रहा है। यहाँ पे जैसे ये राउंड सा आ रहा है ना, मेरे माउस कर्सर को फॉलो कर रहा है उसको, वो पूछो लाइक बहुत मस्त लगा। इसमें आप कोई भी यूजर्स आकर टाइम स्पेंड कर सकता है, इजीली प्रोफेशनली चेक कर सकता है। यहाँ पे हैप्पी क्लाइंट्स, हैप्पी ईयर्स, अबाउट सेक्शन बहुत बड़ा है, बहुत प्रोफेशनल। यहाँ पे यूनिक जो है आपको जो है लाइक इसका आइकॉन्स मिल जाएंगे जिसको आप यूज कर सकते हो, गेट इन टच का सेक्शन मिल जाता है। यहाँ पे फिर से आप जो है डे नाइट मोड में भी शिफ्ट कर सकते हो इसको, जैसे यहाँ पे डायरेक्टली। इसके साथ साथ मेन्यू सेक्शन में आपको प्रॉफिट लॉस सेक्शन मिल जाएगा, प्रॉफिट लॉस स्टैंडर्ड, प्रॉफिट लॉस जॉइंट। यहाँ पे स्टैंडर्ड वाला सेक्शन देखो, इस तरीके का स्टैंडर्ड सेक्शन रहते हैं। आप इसको एक ही सिंगल पेज में भी कर सकते हो, अलग अलग पेज में भी आप ऐड कर सकते हो इसको। सभी फीचर्स यहाँ पे इसमें दिए गए। यहाँ पे इवन स्टोरी सेक्शन है जहाँ पे आप ब्लॉग साइडर्स भी डाल सकते हो, यहाँ पे जो है ब्लॉग्स वगैरह अगर आप जो है ऐड करना चाहते हो उसमें आ जाएगा इस तरीके से। ये जो है अलग अलग आप जो है टेक में अलग अलग सेक्शन में आप ऐड कर सकते हो। इसके साथ साथ जो है कॉन्टेक्स्ट वाला सेक्शन देख सकते हो, कॉन्टेक्स्ट वाला सेक्शन में दिखा देता हूँ किस तरीके का रहता है। तो देखो कॉन्टेक्स्ट वाला सेक्शन एक बिल्कुल मिनिमल डिजाइन के साथ आता है। यहाँ पे आपको अपना नेम वगैरह थोड़ा बहुत लिख सकते हो अपने बारे में, इसके बाद जो है योर नेम, ईमेल एंड मेजेस वगैरह आ जाते हैं। यहाँ पे जो है आपको राइट साइड में एड्रेस वगैरह मिल जाता है। इवन इसका प्राइसिंग डिटेल्स वाला सेक्शन भी देख सकते हो किस तरीके का रहता है। एक बहुत अच्छा एक अट्रैक्टिव सा डिज़ाइन रहता है। यहाँ पे कोई फैंसी चीज़ें ज़्यादा नहीं रहती, बिल्कुल मिनिमल सा डिज़ाइन रहता है। यहाँ पे एनिमेशन वगैरह भी थोड़ा बहुत है, बट एक प्रोफेशनल तरीके से एनिमेशन दिया गया है। यहाँ पे आपको कोई फैंसी एनिमेशन नहीं दिए गए, बिल्कुल बहुत अच्छा लगेगा यूजर्स को आने में, इसको यूज़ करने में। इसका नाम है क्रिजिटा थीम, एंड टीएचपी जो है विंटो मार्केट्स में आपको मिल जाएगा। यहाँ पे देख सकते हो इसको जो है भी एक वर्डप्रेस पोर्टफोलियो थीम है, आप इसको कंसिडर कर सकते हो, बहुत अच्छा थीम है। इसका भी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में जरूर देख दूंगा, ओके चेक करना जरूर। देन जो फिफ्थ हमारा वर्डप्रेस थीम आता है वो भी एक पोर्टफोलियो थीम है, बहुत एक खतरनाक यूनिक डिज़ाइन के साथ आता है। अगर आपको प्रोफेशनल वेबसाइट बनाना है, यूनिक सा डिज़ाइन चाहिए आपको, इस थीम को आप कंसीडर कर सकते हो। यहाँ पे देखो विक्टर थीम्स के द्वारा बनाया गया लिस्टन थीम, इस तरीके का डिज़ाइन रहता है। यहाँ पे आपको आपके पोर्टफोलियो वर्क्स जितने भी आप यहाँ पे डायरेक्टली देख सकते हो फ्रंट पेज में ही सेक्शन में, या फिर मेन्यू सेक्शन इस तरीके का रहता है। देखो मेन्यूज में कितने सारे जो आपको टैब मिल जाएंगे, पोर्टफोलियो अलग अलग तरीके के यहाँ पे मिल जाते हैं आपको, अलग अलग एनिमेशन वगैरह रहते हैं। यहाँ पे देखो इमेजेस किस में बड़ा है, किस में इस तरीके का रहता है। फोटोग्राफी वेबसाइट के लिए बेस्ट रहेगा ये चीज, एंड अगर आपको एक फोटोग्राफी वेबसाइट है या फिर आपका फोटोग्राफी जो है स्टूडियो है तो आप इसको कंसीडर कर सकते हो। अलग अलग तरीके के यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाते हैं पोर्टफोलियो जो है सेक्शन डालने के। यहाँ पे देखो जैसे यहाँ पे इस तरीके का एक रहता है, तो मल्टीपल जो है आप पोर्टफोलियो पेजेस डाल सकते हो। फ्रंट वाला सेक्शन जो है मल्टीपल तरीके से यहाँ पे आप डिजाइन कर सकते हो, ओके इस तरीके रहता है। आप जैसे यहाँ पे माउस कर्सर में स्लाइड कर रहा हूँ, इमेजेस जैसे चेंज हो रहे हैं, देखो इसके से मिनिमल सा प्रोफेशनल सा ट्रांजिशन आ रहा है इमेजेस में। एंड देन अबाउट सेक्शन में चेक करते हैं, अबाउट मी में देख सकते हैं, अबाउट मी में दो तरीके के मिल जाते हैं, अबाउट स्टूडियो, अबाउट मी, अलग अलग टाइप से आप जिस तरीके से ऐड करना चाहते हो यहाँ पे ऐड कर सकते हो। देन अबाउट स्टूडियो वाला सेक्शन में दिखा देता हूँ, ओके
स्टूडियो वाले सेक्शन में आप खुद का जो स्टूडियो का कुछ एड्रेस वगैरह डाल सकते हो। इसके बाद कौन कौन वर्क करते हैं यहाँ पे, अभी कोलिग्स जितने भी होंगे उनको जो आप यहाँ पे डाल सकते हो, उनके नेम जो है, उनका जो है पर्सनालिटी यहाँ पे आप डाल सकते हो। देन यहाँ पे कौन कौन सी चीज़ों में फोकस करते हो वो सभी चीज़ें डाल सकते हो। देन इसके बाद जो है सर, देन इसके बाद आप क्या क्या सर्विसेज प्रोवाइड करते हो, जैसे आप जो है वेडिंग फोटोग्राफी प्रोवाइड करते हो, देन जो है पर्सनल जो है प्री वेडिंग फोटोग्राफी, ये सब चीज़ें यहाँ पे ऐड कर सकते हो। आप किस चीज़ में प्रोफेशनलिस्ट हो वो भी चेक कर सकते हो, यहाँ पे ऐड कर सकते हो। इस वाले सेक्शन में नीचे जो है प्राइसिंग टेबल वगैरह भी ऐड करना है, बहुत मस्त दिखेगा इस थीम्स के साथ। ऐसे ही यहाँ पे कॉन्टेक्ट्स वाला पेज भी दिखा देता हूँ, देखो गेट इन टच वाला, यहाँ पे आपका जो है स्टोर का लोकेशन, फिजिकल स्टोर का लोकेशन मिल जाएगा, कॉन्टैक्ट डिटेल्स मिल जाएंगे, यहाँ पे आप ईमेल करके भी सेक्शन में डाल सकते हो। ये सब चीज़ें इस जो है थीम्स में, इलिस्टन थीम है नाम के इसका, एक यूनिक सा डिज़ाइन आपको प्रोवाइड करता है। अगर आपको एक फोटोग्राफी वेबसाइट के लिए या फिर फोटोग्राफी स्टोर है आपका उसके लिए पोर्टफोलियो वेबसाइट बनाना है, बहुत मस्त रहेगा, बहुत यूनिक सा आपको एक डिज़ाइन ये प्रोवाइड करेगा। ओके, इसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन दे दूंगा, मेक श्योर चेक करना। ये जो पांच थीम है ना, बिल्कुल पोर्टफोलियो वेबसाइट के लिए बेस्ट वर्डप्रेस थीम है। यहाँ पे ये जो है आप काम को आपको डिफाइन करते हैं, एक मिनिमल सा डिज़ाइन रहता है। एंड पोर्टफोलियो वेबसाइट में हमेशा ध्यान रखना है कि एक मिनिमल डिज़ाइन रहना चाहिए, यहाँ पे कोई भी फैंसी कलरफुल डिज़ाइन का बेकार सा डिज़ाइन यहाँ पे आपको नहीं चाहिए, ब्लॉग पोस्ट नहीं चाहिए, आपको एक मिनिमल सा डिज़ाइन रखना है वेबसाइट में। एंड अलग अलग सेक्शन रखना है, जैसे आप किस चीज़ में पर्सनल आपका जो है एक्सपीरियंस है, क्या आप एजुकेशन है, कैसे कॉन्टैक्ट करें आपको, ये सब में आपको ज़्यादा ध्यान देना है। एक पेज में रहेगा बहुत सही रहेगा, मतलब जैसे लाइक एक मेन्यू में है, वहाँ पे अलग अलग सेक्शन को अलग अलग तरीके से पिन कर देना, वहाँ पे जो सेक्शन में क्लिक करेगा उस सेक्शन में आ जाएगा। ओके, मेन्यू में जो चीज़ें क्लिक करेगा उसी सेक्शन में आ जाएगा, उस तरीके का डिज़ाइन रहता है। जैसे फर्स्ट दो थीम बताए वो थीम्स बेस्ट हैं यहाँ पे आपका वेबसाइट पोर्टफोलियो वेबसाइट बनाने के लिए। होपफुली ये जो थीम्स आपको अच्छे लगेंगे, ये थीम्स अच्छा लगा तो एक लाइक जरूर कर देना, लिंक्स जो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। एंड मिलते हैं ऐसे एक नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियोस के साथ, टेक केयर, बाय बाय, नमस्कार।